रसोई की बिन मौसम बरसात की बात ही कुछ और। जब भी आती कोई ना कोई नई कहानी शुरू हो ही जाती। यहाँ कनाडा में वो बरसात का वो तो सिर्फ वही होती मुंबई में। मौसम की बारिश ना हमारे लिए कोई अच्छा संदेशा लेकर आती है। संदेशा आ गया उमंग, मैं पास हो गई। Just play the bar. सोई नहीं तो अभी तक? जब स्पीच चल रही थी तो तू अर्जुन के बारे में सोच रही थी ना? तेजू क्या बोल रही है तू? मुर्वी ये मत सोच कि यहाँ पे सब लोग जानते नहीं कि तेरे दिमाग में क्या चल रहा है। सबको पता है कि तू आज भी अर्जुन को याद करती है और वो चाहते हैं कि तू उसे भूल जाए। और बात सही भी है, तू उसे भूल क्यों नहीं जाती? तू वो दिन क्यों नहीं भूल जाती जिस दिन तूने उसे आज भी क्यों याद करती है? पूर्वी ओवी ने जो तेरे साथ किया है ना, आई हेट हर। तेजू ओवी ने मेरे साथ जो कुछ भी किया है मैं उसके बारे में बात नहीं करना चाहती। मेरे लिए ओवी ने जो गलती की वो मायने नहीं रखती। मेरे लिए ये मायने रखता है कि मेरे आई बाबा ने मुझे सपोर्ट किया। मेरी वजह से उन्होंने अपनी सगी बेटी से सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए। तेजू तुझे नहीं पता मैं खुद को कितना लकी समझती हूँ कि मुझे ऐसे आई बाबा मिले। वरना कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं जिन्हें अपने माँ बाप का सपोर्ट नहीं मिलता। बिखर जाते हैं, टूट जाते हैं वो। अच्छी शिक्षा, अच्छे संस्कार, उन्हें कुछ भी नहीं मिल पाता। घर पे कमाने वाला कोई नहीं है। भूख लगी है, थोड़े पैसे दो ना काका, प्लीज पैसे दो ना, भूख अनाथ थी मैं तेजू, लेकिन बप्पा की कृपा से मुझे इतने अच्छे आई बाबा मिले। वरना कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं जो आई बाबा के होते हुए भी अनाथ होते। अरे बाप होने की कोई जिम्मेदारी निभाई है तूने? एक अच्छी तालीम, एक अच्छी परवरिश तो छोड़ो, इस सब की जिंदगी तक नहीं थी। यहाँ साला दो वक्त की रोटी के लिए लाले पड़े हैं और तू बैठकर ठूस रहा है। लेकिन इस बात का एहसास और शर्म तो होगी नहीं? अरे कैसा बाप है तू! अपने शराब के पैसों के लिए इस छोटी सी बच्ची से भीख मंगवाने चला था तू? तनखा करती है यहाँ बैठ के, अभी तो है भीख मांग के चार पैसे कमाएगी ना? अरे ऐसी घटिया सोच तेरी हो सकती है? ना तने कैसे माँ बाप ने तुझे जन्म दिया है? और एक बात सुन, ये मेरे भाई बहन है और अगर इनकी जरूरतें पूरी करने के लिए मुझे रास्ते पर खड़े होकर अपने आप को बेचना पड़े तो बेच दूंगा, लेकिन तुझसे गलत काम नहीं करवाने दूंगा। और डार अगर इस घर में कदम भी रखा तो। अरे यार कहाँ है चल रहा है? पहली बार हमारा घर है, थोड़ा नहीं है। हमारा घर, हमारी ताई और हम बाप हैं उनके।
हमरे को बहुत ज्यादा हक है ऊपर उसकी कमाई पे, और कर रही है तो एहसान नहीं कर रही, खा ही रहे है। हक हक समझ में आता है, जिम्मेदारी समझ में नहीं आती। तुझे मालूम भी इन बच्चों के पेट में एक दाना भी गया? अबे तूने जन्म दिया है हमें, लेकिन इसे पाला है हमें, और तू तो हमें भरी बारिश में खुली सड़क पर छोड़कर आ गया था। वो तो ताई थी जिसने हमको संभाला, और अगर वो ना होती ना तो तूने तो शराब के लिए अब तक हमको बेच दिया होता। ये कभी अपने आप को हमारा बाप कहने की सोचना भी मत। चल निकल निकल। जा रहे हैं भैया जा रहे हैं, रोज का ड्रामा लगा रखा है। अभी जा रहे हैं लेकिन वापस आएंगे हमरा घर ही। क्या है तमाशा लगा रखा है? सुनो फिर कभी उस इंसान के साथ कहीं मत जाना। क्यों गई थी उनके साथ? ताई बाबा ने कहा था फैंसी ड्रेस कंपटीशन के लिए ड्रेस दिलाएंगे, इसलिए मैं गई। सुन जो चाहिए जब चाहिए मैं लाकर दूंगी, लेकिन उस इंसान के पास कभी मत जाना, उसके कहने पर कभी कहीं नहीं जाना। सुना? पता नहीं किस मिट्टी से बनाई आदमी, अपनी बच्ची के साथ कोई इस तरह। मैडम कॉफी। थैंक यू एंड। अब भाई देवी परी कहाँ है? मैडम अपने कमरे में, मॉर्निंग 7 बजे आई है। मोहन क्या करूं मैं इस लड़की का, एक तो पूरी रात जागती रहती है और फिर सुबह सोती रहती, मैं देखती हूँ इसको। रात भर ऑफिस में काम करके आई और अभी भी बिना सोए काम कर रही, क्या करूं मैं इस लड़की का। क्या कर रहे हो तुम? चलो चलो पूरी। अच्छा सर पूरी पूरी एक मिनट, ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट ये करना बहुत इंपॉर्टेंट है पूरी। मैंने कहा चलो। मैं कह रहा हूँ मैं आ रहा हूँ, तुम जाओ, मैं ये खत्म करके आ रहा हूँ। चलो पूरी रात ऑफिस में काम करती है फिर सुबह घर आके भी काम करती है। चल सोच। अरे नहीं आई, मुझे ये डिटेलिंग कंप्लीट करना ही पड़ेगा। आज ओवर ने कहा था कि मुझे आज ही सबमिट करना है फाइनल कोटेशन। नहीं मानेगी ना तू? बोल अपने डैड। किस पर आई तूने फिर उस आदमी का नाम लिया? मैं तुझे कितनी बार कहा है उसका नाम मत लिया कर, और तू मुझसे ये कह रही है कि तुझे मुझे देखकर उसकी याद आती है। आई प्लीज आज के बाद मुझसे ये बात कभी मत कहना। मैं तेरी फीलिंग समझ रही हूँ, लेकिन वो तेरे डैड है, तुझे कम से कम एक बार उन्हें फोन करना चाहिए। नॉट अगेन आई, तू क्यों बार बार एक ही टॉपिक छेड़ती रहती है? मैं आज तक उस आदमी का मैंने चेहरा भी नहीं देखा और ना मैं देखना चाहती हूँ। The way he treated you, I can never forgive him for that. कैसा आदमी है वो? पहले उसने तेरी बहन से शादी की, उसके बाद उसको तलाक दिया और फिर तुझसे शादी की, उसके बाद भी उसने अपने एक्स वाइफ से रिलेशंस रखे। आई उस आदमी के लिए मेरे लाइफ में कोई जगह नहीं, मैं उसे कभी अपना बाप नहीं मान सकती, और इस बात के लिए तुम मुझे फोर्स मत कर प्लीज। मैं सिर्फ तुझे मानती हूँ, मैं तेरे जैसी बनना चाहती हूँ। तू आजी आजूबा बस इतनी सी है मेरी फैमिली। पिछले 20 साल से तू चाहती है कि मैं सामने से उस आदमी को फोन करूं, लेकिन जब से मैंने होश संभाला है मैं बस मना करती आ रही हूं। और आई मैंने इतना कुछ सुना है ना उस आदमी के बारे में कि मैं चाहूं भी तो मैं उससे रिश्ता नहीं जोड़ सकती।
और हाँ, तेरी वो बहन जिसने तेरी पूरी लाइफ स्पॉइल करी, तो होल फैमिली हेट्स हर। इन दो इंसानों से मैं बहुत नफरत करती हूँ और हमेशा करती रहूं। मैं सोने जा रही हूँ। मैं तुझे जबरदस्ती अर्जुन से मिलवाना नहीं चाहती, लेकिन बेटा मैं ये भी नहीं चाहती कि मेरी वजह से एक बेटी अपने पिता से दूर रहे। अरे देवा, काय करूं मैं, तो रात हुई नहीं कि तमाशा शुरू। रोज रोज ची नाटक है देंची। छोड़ो, बोलने जाएंगे तो उल्टा हम ही को बोलेंगे ये लोग। आए तो माहित कवा सुधरना रहे लोग। देखो कैसे खराटे भर भर के सो रहा है। हाँ माहिती, थोड़ा ये जा गद्दा ले क्या, चद्दर लाई। शांति क्या कर रहा है? अरे छोड़े गद्दा, मुझे बाहर ले जाना। भाई तू ही चाहती है ना कि मैं पढ़ाई करूं। देख पढ़ रहा हूं, और वैसे भी काम के आदमी को गद्दे की जरूरत होती है ना। कह रहे को जमीन क्या और गद्दा क्या। और देख क्या लिखा है इसमें, चौल में रहने वाले 80% लोग गरीबी और गंदे हालातों में जीते हैं। पता है ऐसा क्यों? क्योंकि उनके बाप शराबी और जुआरी होते हैं। बजाय बाप अपने बच्चों के लिए कुछ करे, यहाँ बच्चे अपने बाप के लिए कर करके जिंदगी बिता देते हैं। प्रशांत, ये सब किताब में लिखा है तेरे। नहीं नहीं, वो तो मैंने यूं ही बोल दिया था। किताब में ऐसा कड़वा सच कहाँ होता है, ये तो हम जैसे लोगों की जिंदगी में होता है, जहाँ बच्चों का सबसे बड़ा दुश्मन बाप ही होता है। और यहाँ तो 24 घंटे ये टेंशन लगा रहता है कि शराब की बॉटल के लिए पता नहीं बाप कब किस बच्चे को बेच दे। बस कर प्रशांत, देख आज मेरा रिजल्ट आया, कल मेरा एक जॉब के लिए इंटरव्यू भी है। मैंने फॉर अ सेफर साइड 5-6 जगह और एप्लीकेशन डाल दी। अब मुझे पता है कहीं ना कहीं तो मेरा जॉब लग ही जाएगा, फिर ये सारी टेंशन भी खत्म हो जाएंगी। भाई और घरों में बाप कमाकर अपने बच्चों को खिलाते हैं, पर यहाँ पर देखो इसको खिलाने का ठेका हमने ले रखा है। अब चुप रहे और सोच। और हाँ, तुझे याद है ना, तूने मुझसे प्रॉमिस किया था कि जब मेरी जॉब लग जाएगी तू पढ़ाई शुरू करेगा। इसीलिए अब ये दहाड़ना बंद कर और सो जा चुपचाप। और हाँ, मैंने शशांक को भी कहा है, वो कल से तुझे ट्यूशन देने आ रहे हैं। सो जा, चल ये दे दे मुझे। वो सब ठीक है, ये गद्दा यहाँ से कहीं नहीं जाएगा। बाबा, चलो प्रणाम। प्रणाम तू ये क्या कर रहा है? तू नहाने के बाद ब्रश कर रहा है, कैसा लड़का है? चल जल्दी बाहर आ, तुझे स्कूल जाना है। प्रणाम क्या हो रहा है ये सब कुछ यार, पता नहीं क्या। अले मेरा बच्चा रेडी हो गया। चलो 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 जल्दी से स्कूल जाएंगे। पापा के मंदिर जाइए ना। क्यों पापा के मंदिर क्यों? ताई आज मंगलवार है। तो ताई जब भी तेरे को जो भी मांगना हो पापा से, पापा दे देते हैं। अच्छा तो मैं क्यों क्या मांगू पापा से, बताना जरा मुझे। ताई आप पापा से जॉब मांग लेना। दोनू मेरा बच्चा ठीक है, मैं चली जाऊंगी। बाय। चलो जल्दी से बाहर, मानसी बाहर आ फटाफट। हाँ, खाना टिफिन ले। प्रणव जल्दी कर, क्या इधर ब्रश करे जा रहा है, पता नहीं क्या करे जा रहा है। चलो जल्दी बाहर आओ, टिफिन रेडी है तुम दोनों के। ओ माँ, जल्दी 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 जल्दी। अले मेरे बच्चे ने लगा दिया बैग। एक मिनट हाँ, मैं प्रशांत दादा को दे दूँ। चलो 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 प्रणव, चल बाहर ही लौकर जायसे। तू एक जोर ना, चड्डी क्या आ गया बाहर, बड़ा हो गया इतना चट्टी पहन रही है देखो, तो पहन चट्टी क्या है ये यार सच्ची। अच्छा प्रशांत सुन, आज जाकर स्कूल में पता करके आना क्या है वहाँ की फॉर्मेलिटीज, सब कुछ देख लेना, फिर तेरा एडमिशन करा के तुझे पढ़ाई शुरू करनी है, ठीक है? क्या बोल रही, सुन रहा है ना तू? वो काम मैं कर दूंगा, मैं खुद जाऊंगा उसके साथ में। थैंक यू, तुम नहीं होते तो पता नहीं मेरा क्या होता। सोनू
श्याम तू ना आज ताई को पापा के मंदिर ले जाना। आज मंगलवार है और ताई का इंटरव्यू भी। ठीक है पक्का ले जाऊंगा। चलो चलो फटाफट टाइम हो रहा है मंदिर जाना है। पकड़ो शशांक प्लीज देखो ना मेरी मदद करो। चलो चल मांची पे निकल रही हूँ तो टाइम पे कॉलेज पहुंचाना तेरे लेक्चर है। हाँ, और चाबी तरीके से रख देना आंटी के पास। अरे ताई चाय तो पी दीजा बाद में पी लूंगी शाम को रख दे पहले मंदिर चलते हैं। मंदिर शशांक सोनू को आदेश है टाल नहीं सकते हम लोग। हाँ आज मंगलवार है मैं जाता हूँ मंदिर में वैसे भी तुम भी चलो। शशांक मैं तुम्हें तो पता है ना मैं भगवान को नहीं मानती। पर क्यों नहीं मानती? क्योंकि अगर भगवान होते ना तो शायद आज मेरे भाई बहनों की हालत ये नहीं हुई होती। ये मेरे बाप है। अंकिता एक मिनट सुनो आज एक बार ट्राई करके देखो क्या बता शायद तुम्हारा काम बन जाए तुम्हें जॉब मिल जाए। और वैसे भी अगर तुम जॉब करोगे तो पसंद पड़ पाएगा। तुम चाहती हो ना कि वो पढ़े तो एक बार ट्राई कर। ठीक है लेकिन अगर तुम कहते हो तो सोनू ये थैंक यू लेकिन एक शर्त है मेरी। क्या शर्त? ये है कि आज भगवान से प्रार्थना तुम करोगे मेरे क्योंकि मुझे पता है वो मेरी कभी नहीं सुनेंगे लेकिन हो सकता है कि शायद तुम्हारी सुन ले। इस बार सुन लेंगे पक्का देखते दोनों। चले मुझे मंदिर जाना है। चलो बाय। शशांक लेके जा इसको और प्रार्थना भी करवाना। वैसे मुझे लगता तो नहीं है कि बप्पा पे इसको विश्वास आएगा फिर भी। हाँ 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 ठीक है चलो मिलता हूँ चलो जल्दी कर। 20 साल हुए हम एक दूसरे से अलग हुए। देखा जाए तो जिंदगी काफी आगे निकल गई। मैं यहाँ कनाडा में हूँ अपनी बेटी के साथ। खुश नहीं हूँ पर ठीक हूँ। आज फिर एक बार परी ने मुझे अर्जुन की याद दिलाई और मैंने फिर उसे अर्जुन को कॉल करने को कहा और फिर एक बार वो मुझसे नाराज हो गई। अब कैसे समझाऊं मैं उसे? मुझे भी तकलीफ होती जब मैं परी से अर्जुन को मिलने के लिए कहती हूँ। शायद उतनी ही तकलीफ जितनी उसे अपने पिता के नाम से होती है उनसे मिलने के ख्याल से होती है। अर्जुन ने मेरे साथ जो किया मैं उसके लिए उसे कभी माफ नहीं कर सकती। अर्जुन का झूठ उनका धोखा उनके विश्वासघात का दर्द अपने दिल में लेकर ये 20 साल गुजारे हैं मैंने। रोज रात सोने से पहले मैं ये डायरी लिखती हूँ। अर्जुन के बगैर गुजारा हुआ एक एक दिन एक एक पल मैंने इस डायरी में लिखा है। मैंने अपनी जिंदगी में कभी किसी से इतनी नफरत नहीं की जितनी अर्जुन से की है। शायद इसीलिए क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा प्यार भी अर्जुन से ही किया है। आज से 20 साल पहले मैंने उसे आखिरी बार देखा था। उसके बाद ना बात हुई ना मुलाकात। मगर इन 20 सालों में एक दिन भी ऐसा नहीं था जब मुझे उनकी याद ना आई। आज भी हर रात जब मैं डायरी लिखती हूँ दिल के किसी कोने में ये पता होता है कि इस वक्त कहीं ना कहीं सुबह हो रही है। अर्जुन का नया परिवार उस परिवार में उसे कोई प्यार से जगा रहा है। वो वहां खुश है सबके साथ। डार्लिंग ब्रेकफास्ट ला रही हूँ। ओके जल्दी बाबा जो ऑफिस के लिए देर हो रही है। आखिर पूरी और ओवी में से उसने अपने लिए ओवी को चुना। जिस दिन मैंने उसे ओवी और उसके बच्चे के साथ देखा था
उसका चेहरा देखकर मैं समझ गई थी कि अब अर्जुन ने मेरी जगह होवी को दे दी। क्या बात है, तुमने आज टोस्ट फिर से जला दिया। वेरी गुड। तुम्हें पता है हम इसे फिर भी खाएंगे। तुम्हें पता है क्यों? बिकॉज़ आई लव यू। अर्जुन अपनी लाइफ में खुश है, मैं उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। बस एक बात हमेशा खलती, मैं परी को उसके पापा नहीं दे पाए। आज हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन है। आई नो पापा। यू नो रियली कम ऑन विश मी लक। जल्दी आ जाओ। अभी वहां मुंबई में सुबह है और यहाँ कनाडा में रात। बिल्कुल वैसे ही जैसे जैसे अर्जुन की जिंदगी में सुबह है और मेरी जिंदगी में रात। नाइट फॉरएवर।